नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोड्स में मैंने आपको सद्गुरु के बारे में बताया और उनके पिछले जन्मों की कहानी भी बताई। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं उस अधूरे काम के बारे में जिसको पूरा करने के लिए सद्गुरु को जन्मों तक तपस्या करनी पड़ी। भारत एक ऐसा देश है जिसमें जीवन के हर छोटे बड़े कामों में आध्यात्मिकता व्याप्त होती है। इस देश के लोग अपने जीवन की सुख दुख की बातें भगवान से मंदिरों में जाकर करते हैं और इन मंदिरों की प्रतिष्ठा इस प्रकार से है, अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो आप एक खास मंदिर में जाएंगे, अगर आप धन समृद्धि चाहते हैं तो आप दूसरे मंदिर में जाएंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और भारत के ज्यादातर मंदिरों में जिन लिंगों की स्थापना की जाती है उनमें विशेषकर 1 या 2 लिंग स्थापित होते हैं। लिंग का मतलब होता है एक इलिप्सॉइड फॉर्म, जैसा कि आपने शिवलिंग में देखा होगा। सदियों से बहुत से बुद्ध महात्माओं ने एक ऐसे मंदिर का स्वप्न देखा था जिसमें 7 चक्र वाला लिंग स्थापित हो, और ऐसा ही मंदिर बनाने का जिम्मा सदगुरु के गुरु पलानी स्वामी ने उन्हें सौंपा था, और यही था वो अधूरा काम जिसको पूरा करने में सदगुरु को जन्मों का समय लग गया। तमिलनाडु में स्थित विलांगिरी पहाड़ियां बहुत ही पवित्र पहाड़ियां मानी जाती हैं। कहा जाता है एक समय में स्वयं भगवान शिव ने इन पहाड़ियों पर समय बिताया था। सदगुरु ने इन्हीं पहाड़ियों पर एक ऐसे लिंग की स्थापना की जिसमें 7 चक्र स्थापित हैं, जिसको ध्यान लिंग कहा जाता है। इस ध्यान लिंग के गर्भगृह में जो भी व्यक्ति आता है वो मेडिटेशन के हाईएस्ट पॉइंट समाधि में चला जाता है। उसको कोई भी जाप ताप करने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान लिंग को छूने का मतलब स्वयं भगवान शिव को छूने के बराबर है। ध्यान लिंग एक आइडियल इलिप्सॉइड है जिसकी इक्वेशन है x² + y² + b² + z² + c² = 1, जो कि एक आइडियल इलिप्सॉइड की इक्वेशन है, जहां ए बी सी एनर्जी पॉइंट्स हैं। ये वही एनर्जी पॉइंट्स हैं जब बिग बैंग हुआ था और पहला इलिप्सॉइड इवॉल्व हुआ था। जब भी कोई व्यक्ति ध्यान लिंग के करीब जाता है तो वो अपने साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर से बाहर आ जाता है और जीवन के कोर को एक्सपीरियंस करने लगता है। आपको सद्गुरु की ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।